गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक में अयोध्या राम मंदिर की खबरें चलाई जा रही हैं। अयोध्या राम मंदिर में 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार श्री राम लला मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक राम मंदिर समारोह को लेकर देश भर में लोग काफी एक्साइटेड हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, जिसमें अब कुछ ही दिन बाकी हैं और इस ऐतिहासिक दिन को साक्षी बनाने के लिए पूरे भारत से लोगों को आमंत्रित किया गया है। बॉलीवुड के स्टार्स को भी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न्योता भेजा गया है। इस लिस्ट में एक्टर अनुपम खेर का भी नाम शामिल है। अनुपम खेर बॉलीवुड के नामचीन एक्टर हैं। फिल्मों के अलावा वो राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बातें रखते हैं। और अब अनुपम खेर ने अयोध्या राम मंदिर विजिट को लेकर एक वीडियो शेयर किया है। जय श्री राम। यूं तो सदियों से हम दीपावली मनाते आए हैं, प्रभु श्री राम के घर लौटने का उत्सव मनाते आए हैं। घी के ही नहीं, हम उल्लास के दियों में आस्था की ज्योत जलाते आए हैं। लेकिन वो दीपावली अगर प्रतीक है घर वापसी का, तो 22 जनवरी का अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का महासमारोह प्रमाण होगा प्रभु श्री राम के प्रताप का। ये साक्षी होगा इस बात का कि हजारों साल से चली आ रही हमारी भक्ति कितनी अटूट है। ये ना तो अत्याचारों के छैनी हथौड़ों से चटक पाई, ना बरसों के अन्याय से भटक पाई। ईश्वर में विश्वास स्वयं ईश्वर को भी हमारे पास ला सकता है। शौर्य और धैर्य हाथ पकड़कर चलें तो अतीत भी अपनी भूल सुधार सकता है। हजारों साल का विश्वास, करोड़ों दिलों की आस्था, सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा और एक नाम जय श्री राम भक्ति की शक्ति का यह गणित अद्वितीय है। श्री राम लल्ला का अयोध्या लौटना ये विश्वास जगाता है कि जिस किसी की भी अपनी एक अवध पूरी कहीं छूट गई है तो वह एक रोज मिल जरूर जाएगी। ये श्री राम लल्ला का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस ऐतिहासिक समारोह में सम्मिलित होने का और आपसे ये खुशी बांटने का अवसर मिला है। मैं आप लोगों की तरफ से भी राम लल्ला के आगे प्रार्थना करूंगा। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो में अनुपम खेर ने इस खास मौके पर बुलाए जाने के लिए खुद को भाग्यशाली बताया है और कहा है कि वो इस उद्घाटन समारोह में जरूर जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन इसके लिए अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो गए हैं। अयोध्या राम मंदिर को लेकर वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने कहा, जय श्री राम, मैं 22 जनवरी को अयोध्या अपने पूर्वजों और खासकर अपने दादाजी पंडित अमरनाथ जी का प्रतिनिधित्व करूंगा। ये सब राम मंदिर की स्थापना का सपना देखते थे। मेरे सभी कश्मीरी हिंदू भाई बहन आत्मिक रूप से मेरे साथ होंगे। उन्होंने आगे कहा, श्री राम लल्ला का अयोध्या लौटना ये विश्वास जगाता है कि जिस किसी के भी अपनी एक अवध पूरी कहीं छूट गई है तो वो एक रोज मिल जरूर जाएगी। ये भी श्री राम का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस ऐतिहासिक समारोह में सम्मिलित होने का और आपसे ये खुशी बांटने का मौका मिला है। मैं आप सब के लिए भी प्रार्थना करूंगा, जय श्री राम। वीडियो में अनुपम खेर राम नामी गमछा ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं और माथे पर उन्होंने तिलक भी लगाया हुआ है। सोशल मीडिया पर लोगों को उनका ये अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि अब तक बॉलीवुड और क्रिकेट जगत से लेकर देश के तमाम दिग्गजों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता भेजा जा चुका है। इस भव्य आयोजन के लिए देश भर के 6000 सेलिब्रिटीज को न्योता भेजा गया है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अमिताभ बच्चन से लेकर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, संजय दत्त, अक्षय कुमार और हेमा मालिनी समेत कई स्टार्स को न्योता भेजा गया है। आपको बता दें कि बीते दिन टीवी सीरियल रामायण की लीड स्टार कास्ट दीपिका
चिखलिया, अरुण गोविल और सुनील लहरी अयोध्या पहुंचे थे, जहां से तीनों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही।